दोस्तों आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेडियम में खेला गया। यहां पर वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलसन पोरन ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने भारत ने 20 ओवर में 191 रन का टारगेट खड़ा किया। भारत के लिए ओपनर करने आए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा ने छोटी हालांकि तेज तरह पारी खेली। उन्होंने 16 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाई। और सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 24 रन बनाए और 1 चौका और 2 छक्का उन्होंने भी लगाया। इस प्रकार भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। उसके बाद बैटिंग करने दीपक हुड्डा भी ज्यादा समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आई। ऋषभ पंत ने भारत की पारी को संभाला और 31 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए, जबकि संजू सैमसन नाबाद रहते हुए 23 गेंदों पर 30 रन बनाकर लौटे। और आज के मैच में दिनेश कार्तिक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी में अक्षर पटेल ने मात्र 8 गेंदों पर 20 रनों की तेज तरार पारी खेली और 1 चौका और 2 छक्के लगाया। इस प्रकार भारत ने 20 ओवर में 192 रनों का टारगेट खड़ा किया। 192 रनों के टारगेट के जवाब में वेस्ट इंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। ब्रेंड हेगिंग 8 गेंदों पर 13 रन, जबकि काइल मेयर 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद थॉमस ने 4 गेंदों पर 1 रन बनाए और कप्तान निकोलसन पोरन 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर रन आउट हुए। रोमन पॉल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16 गेंदों पर 24 रन बना पाए। इस प्रकार वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और भारत ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि अब सीरीज का 5 और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जो कि आज 7 अगस्त को खेला जाएगा। सो दोस्तों, इसी प्रकार की क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।